अगर पीपल्स पार्टी का मर जाता है तो वो दूसरों को मरवाना शुरू हो जाते हैं, उनका मर जाता है तो वो इनको मरवाना शुरू हो जाते हैं। कराची के लिए एक ऐसी फोर्स बनानी चाहिए जो कि वहाँ पे जितने भी बताखोर और टारगेट किलर हैं सबको खत्म करे। मोहल्ले में जो कुछ हो रहा है, शहर में हो रहा है, बाजार में हो रहा है, मार्केट में हो रहा है, चंद लोगों को पता है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। हुकूमत तो बाद में आती है, पहले अपने आप को खुद ठीक करना चाहिए। पाकिस्तान को तबाह करने वाला दो ही मुल्क है, एक अमेरिका एक इंडिया। हुकूमत की कमजोरी कहेंगे इस बात को कि मिसमैनेजमेंट है। गवर्नमेंट जब तक उसमें वो विल नहीं होगी कि अपनी रिट कायम करे तब तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यही यूं ही खराब होती रहेगी। बस अपनी बदमाशी का दिन साड़ी कायम हो गए और क्या, दुनिया थले डोन कर दें, अपने आप ऊंचा कर दें। इसमें कोई बेरुनियात मुलविस हो सकते हैं क्योंकि एक मुसलमान इस माह रमजान में ये हरकत कभी नहीं कर सकता है। ये सर एक ऐसी पावर है जो पूरे इस मुल्क को डुबोना चाहती है, कभी वो खुदकश हमलों की सूरत में, कभी टारगेट किलिंग के सिलसिले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ये तबाही फैलाना चाहती है। जो हालात बिगड़ रहे हैं, दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, कम अज़ कम इनको अपना सिक्योरिटी का ख्याल तो करना चाहिए ना, कि मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल हुकूमत पर आन पड़ती है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, लोगों की जान और माल की तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी ये हुकूमत की है।